बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काइट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। मेरा नाम अशफाकत और आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं ऑटोडेस्क 3ds मैक्स का। आज हमने सीखना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूव कमांड, कि मूव चीज़ों को मूव कैसे करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेल से देखते हैं। चीज़ों को रोटेट करना, उनको स्केल छोटा बड़ा करना और कापी करना, चार चीज़ें पढ़ेंगे। मूव, सिलेक्ट और मूव की कमांड पढ़ेंगे, रोटेट की, स्केलिंग की और कापी की। तो सबसे पहले ड्रा करते हैं एक छोटा सा बॉक्स। बॉक्स ड्रा किया, ये देखिए हमने। इसको मूव करना है या सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए ये देखिए सिलेक्ट कमांड पे जाएंगे आप। ये सिलेक्ट और मूव, इसको क्लिक कीजिए। ये देखिए आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, इधर इस खाने में रखना चाहें, इस खाने में रखना चाहें या इस खाने में रखना चाहें, जिस तरीके जहाँ आप लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से इसको आप जेड एक्सिस पे ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, और ऐसे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, चारों जगहों पे, चारों व्यूज़ पे आप इस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया है इस तरीके से, यहाँ पे इसको यहाँ से मूव करना, ऊपर करना, नीचे करना आप कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं इसको। ये है सिलेक्ट एंड मूव, सिलेक्ट किया और इसको मूव किया, जेड एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी मूव कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद दूसरी आती है रोटेट की। रोटेट के लिए इसको डिलीट करते हैं और मैं एक बॉक्स लेता हूं और जहाँ एक छोटी सी इसको ऐसे करके बना लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने रोटेट करना है, सिलेक्ट कीजिए, रोटेट पर जाइए। अब देखिए इसको हमने रोटेट करना है, ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 तरह की तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, यानी कि आप इसको हर तरफ रोटेट कर सकते हैं। ये जो लाल कलर है इसको कीजिए आप, देखिए ये देखिए ये करना है आपने, ये देखिए ये देखिए, और आप यहाँ जा सकते हैं या यहाँ जाकर भी इसको रिमूव कर सकते हैं। बाकी सेटिंग इसकी इस व्यू पर भी जाके कर सकते हैं। तो ये थी रोटेट की, हम इसमें रोटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसकी कॉपी करना चाहूँ मैं, देखिए एक तो इस तरीके कॉपी, इस तरीके से देखिए कॉपी के लिए मैं एक और बॉक्स कुछ चीज़ ड्रा करता हूँ, ये टी पार्ट ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए टी पार्ट ड्रा की, इसको सिलेक्ट किया, इसको सेंटर पे ले, कंट्रोल आल्ट प्लस प्रेस किया, इसको मूव किया, इस थोड़ा आगे ले जाए इसको। ये देखिए इसको मैंने कॉपी करना है। अच्छा, कॉपी करने से पहले मैं इसको तो इसकी स्केलिंग करता हूँ, स्केल छोटा करता हूँ उसका। ये देखिए कॉपी इसके बाद में करते हैं, पहले इसको स्केल छोटा बड़ा कर लेते हैं। जब स्केल पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान है, इसको प्रेस कीजिए। आप प्रेस करके रखिए लेफ़्ट क्लिक माउस का, और इसके तीन ऑप्शन हैं, हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। ये देखिए मैं फर्स्ट को लेता हूँ, फर्स्ट को भी लिया था हमने। ये देखिए इसमें आप ऐसे करके भी इसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ये देखिए, अब इसका दूसरा ऑप्शन है, इसको लेते हैं, इसको रखते हैं। ये देखिए थोड़ा चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इसके तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, अब तीसरा ऑप्शन देखिएगा, ये देखिए जो इसकी स्केलिंग हो रही है वो तो डिफरेंट अंदाज से हो रही है। ये देखिए बिल्कुल फैल सा गया है, तो जिस तरह आपको चाहिए स्केल ऑब्जेक्ट को, जिस तरह की शेप चाहिए होती है उस तरह का आप सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे जैसे हम उसको उसमें बाकी दो ऑप्शन में जिस तरीके से बड़ा हो रहा था, ये उसमें उस तरीके से बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा उसमें। ये देखिए किस तरीके से इसकी स्केलिंग, ये देखिए ये देखिए अजीब सी कुछ शक्ल बन गई इसकी। तो ये देखिए, तो इसमें हम इस तरह की स्केलिंग करते हैं,
इसको प्रेस करके रखिए और वापस इसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए इसको आप ये भी छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। अब इस तरीके से आप उस ऑप्शन में नहीं कर सकते जो लास्ट वाला ऑप्शन है। एक बॉक्स लेता हूँ मैं और इसमें स्केलिंग करता हूँ। ये देखिए स्केल के बटन में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में उस पर क्लिक किया ये देखिए। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं इसके जहाँ पे ये फ़र्क आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें स्केल कर रही हैं इसकी तीनों ऑप्शन में। ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, ये इस ऑप्शन में होता रहा होता है, इस ऑप्शन में होता रहा होता है, और थर्ड ऑप्शन में बिल्कुल होता ही नहीं है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं स्केलिंग करते हुए, जब आपने किसी भी चीज़ की स्केलिंग करनी हो। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब आते हैं कॉपी कमांड पे। मूव की कमांड हो गई हमारी, रोटेट की कमांड हो गई, और हमारे साथ स्केल हो गया। ठीक, अब आते हैं कॉपी की तरफ। कॉपी के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए इसको, कॉपी के लिए शिफ्ट प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, माउस के साथ थोड़ा सा इसको आगे कीजिए, जिस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए, इस तरफ चाहिए, बैक साइड पर जाइए, जहाँ चाहिए आपको। मुझे इस तरफ चाहिए, ये देखिए छोड़ दूँगा। इंस्टेंट कह रहा है, कॉपी कह रहा है, आपने कॉपी पर करना। पहले हम कॉपी देखते हैं, कॉपी क्या है, पांच, इसके पांच कॉपी चाहिए हमें। ये देखिए ये इसकी पांच कॉपीज हो गई। यहाँ से शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट कीजिए और इसको इस तरफ कीजिए, यहाँ पर भी आप इसको नौ कॉपीज कर लें। अब देखिए आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, इसको इस तरफ कीजिए, इंस्टेंट्स, ये देखिए इंस्टेंट और कॉपी में फ़र्क क्या है। फ़र्क कोई नहीं होता, जिस तरीके से इसमें कॉपी हुई है इसी तरीके से ये कॉपी भी ऐसी होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि आप इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसमें जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो सब में होती है। ये देखिए बॉडी, हैंडल, मैं आपको करके दिखाता हूँ एक मिनट। जी देखिए ये हमारे इंस्टेंट वाले हैं, हैंडल सब के हट गए हैं, बॉडी सब की चली गई है। ये देखिए कि वो जो ढकना था तो वो अड़ गया है, और इसमें जो देखिए मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ, सब में चेंजिंग हुई है। अब जो कॉपी की होता है उसमें देखते हैं। ये देखिए मैंने इसको, ये हमारे कॉपी की हुए आप ऑब्जेक्ट, इसको देखते हैं, देखते हैं, देखिएगा सिर्फ एक में चेंजिंग होगी। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें जब आप कॉपी की कमांड यूज़ करेंगे तो आपने जो चीज़ें कॉपी करनी है उसमें, अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप किसी एक चीज़ पे मटेरियल अप्लाई करें, उसकी लेंथ वगैरह चेंज करें, तो सब में चेंजिंग ना हो तो आप कॉपी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एक में चेंज करें तो उस तरह की दूसरी चीज़ जो आपने कॉपी की हुई है उसमें भी चेंजिंग हो, तो आप इंस्टेंट को यूज़ करेंगे। तो सिंपल कॉपी और इंस्टेंट में ये फ़र्क है। आज आपने पढ़ा मूव, सिलेक्ट, मूव, रोटेट। अच्छा, रोटेट से एक बात हो रहा है, ये हमारा जो ये देखिए इसको सिलेक्ट कीजिए, रोटेट को इसकी कॉपी करते हैं हम, रोटेट को करके सिलेक्ट कीजिए, रोटेट है, शिफ्ट प्रेस कीजिए और इस तरफ मुझे कॉपी कर ऐसे चाहिए, ये दी इसको आपने जितना देना दे देंगे। देखिए ये देखिए ये आपकी रोटेट में भी कॉपी हो गई है। तो इस तरीके से आप रोटेट को भी कॉपी कर सकते हैं। ये अक्सर हम जब वो बनाते हैं कोई वार सीन बनाते हैं तो उसमें इस तरीके से वो रोड पे जो आर्मी ने रखे होते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो बहरहाल आप रोटेट करके भी कॉपी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं और रोटेट के साथ भी कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी दो तरह की होती है, एक होती है कॉपी सिंपल कॉपी, एक होती है इंस्टेंट। तो कॉपी में ये होता है कि आप शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, पहले इसको सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, शिफ्ट प्रेस कीजिए और आगे रखिए। अगर इंस्टेंट्स है तो आप उस जितनी कॉपीज़ की होंगी तो सब में
मटेरियल चेंज हो जाएगा, उनका साइज़ चेंज हो जाएगा, सब कुछ उनमें एक जैसा हो जाएगा। जबकि कॉपी करेंगे तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आएगी, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।